जगह, जब हमने सारनाथ के मंदिर का जो लुटाया अंग्रेजा ने वो तो हमने खोज लिया था, और ईद जो ये बद्रीनाथ का और ये जगन्नाथ का लुट ना गिर है, ये थोड़े दिन पाचे काट जाएंगे, घबराने की जरूरत ना है। अगर हम ये एससी एसटी बीसी ओबीसी आदिवासी किसान पर एक ही खून के एक ही ब्लड के एक ही रिलेशंस के जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अगर किसी तरह भी एक मन बना लें इनको भगाना कोई छोटी बात नहीं है, हर हालत में ये तो खदेड़ दिए जाएंगे, और हम तो इनको खदेड़ने के लिए ही अपना मन बना के अब यहाँ आप लोगों के बीच में हमारी जो खास सरकारी है एक बार मंडल साहब इशारा कर दियो रेल रोकने की छोटो अपनी को विरोध दिल्ली में बंद कर देंगे, दूध पानी सामान बंद कर देंगे, एक बार इशारे की जरूरत है। हमें अपना ब्लड हमारा जो डीएनए जिनका एक है, हमें अपने डीएनए की आवश्यकता है। आप उसमें ये चोरी चपटे हुए तलाली है ना जो पीछे काट रहे हैं, इनको देखना पड़ेगा। ये 19 तारीख की हमारी पंचायत थी, अभी जो ये सोन में जो तलावतरण कर रहे थे पिछले साल 31 जुलाई को भी देख लिया था, हम डी साहब से एसपी साहब से उनके और प्रशासन से उनकी सरदारी से उनकी खापों से मिलके दो तीन दिन ज़्यादा उन लोगों में भागते फिरे। फिर जींद में पंचायत थी, ये जो टिकट कामने वाले आ रहे हैं अपने आप को दिखाने के लिए वो सारे इकट्ठे कर लिए, उनका भी कर दिया, मका भाई जींद वाला का तो हिसाब कर दिया कि जो हमारे किसान संयुक्त मोर्चा ने आदेश दिया था हरियाणा में कि एससी एसटी बीसी ओबीसी ना ये सॉरी ये इसके जो मूल निवासी तो ये जेजेपी वाले बीजेपी वाले आरएसएस वाले जो ये अपना एक लेके आए से एक पार्टी का बहिष्कार कर दो सीधी बात रही बात से सारे मिलके इनने जिस तरह खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं तरण दिया था इन का मामा बढ़ में मत दो इनका इलाज तो ये हो जाएगा चाहिए 90 की 90 सीटा का प्लान बना के आ जाइयो और चाहे कहिया बाजियो जो ये वोट काटू है ना इनका तो एक इलाज करना पड़ेगा अपनी वोट अपनी मत छटन तो अपना आप इनका काम हो जाएगा। जब हमने सारनाथ के मंदिर का जो लुटाया अंग्रेजा ने वो तो हमने खोज लिया था, और ईद जो ये बद्रीनाथ का और ये जगन्नाथ का लुट ना गिर है, ये थोड़े दिन पाचे काट जाएंगे, घबराने की जरूरत ना है। पर आप लोग अपनी जो एक ब्लड है एक खून है एक ही सारे ये जातियां एक ही तरह से निकली हुई है, ये अपना थोड़ा सा होश संभाल के बात कर लो, इकट्ठे रह लो, बाकी सारे एक ही सारे पर हम तैयार हैं। नमस्कार। बगले झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा, और वो समय भी आएगा कि जब भारत का शासन पूर्णतया सामाजिक न्याय पर निर्भर करेगा। शिक्षा स्वास्थ्य और न्याय ये तीन स्तंभ ऐसे हैं जो किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हम सही प्रकार से शिक्षित होंगे स्वस्थ होंगे और न्यायप्रिय होंगे तो स्वाभाविक रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा संविधान समतावादक संविधान है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी को मेहनत करनी है। सामाजिक न्याय के जितने भी संगठन हैं पहले अपना अलग अलग सम्मेलन करते थे, अब उनमें भी एक चलन शुरू हो गया है कि 4, 6, 8, 10 सामाजिक संगठन एक साथ होकर एक प्रोग्राम को चलाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस भी इसी बात की हिमायत करता है कि सभी सामाजिक संगठन एक साथ होकर कार्य करें, और चूंकि सबका उद्देश्य एक ही है इसलिए सब लोग एकत्रित होकर कार्य करें,
ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक संगठन ने अपना कार्यक्रम किया है तो दूसरा संगठन उसमें ये कहे कि भाई ये तो हमारा प्रोग्राम नहीं है तो उनका प्रोग्राम में हम ले जाएं। इसलिए एकत्रित होना बहुत आवश्यक है और बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां सामाजिक न्याय के संगठनों की एकता की आवश्यकता है वहां पर सभी सामाजिक न्याय के कार्यकर्ताओं को अपने दूर दराज के देहातों में जाकर इस बात का प्रचार करना है कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या हैं और हम किस प्रकार से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारा अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति वो वोटर जिसको केवल इलेक्शन के वक्त तवज्जो दी जाती है और उसके बाद उसे भुला दिया जाता है जो कि शासन सत्ता उन सामंतवादी लोगों के हाथ में आ जाती है जो सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय को जो मंडल आयोग की रिपोर्ट से कुछ सीमा तक स्थापित हुआ है उसे पूर्णतया स्थापित करने के लिए हम सभी सामाजिक न्याय के संगठन और उनके कार्यकर्ता सभी सामाजिक न्याय प्रेमी हम लोग देहातों तक जाएं और देहातों में चौपाले करें और ये बताएं कि आपके वोट की कीमत कितनी है और वो आपको क्या दिला सकती है। जब तक उनको अपनी वोट की वैल्यू का पता नहीं लगेगा तब तक यह स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अब जो समय आ रहा है धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि हम सभी सामाजिक न्याय के प्रेमी अपने मूल निवास की तरफ जाकर अपने लोगों को अपने परिवार से लेकर अपने पड़ोस तक और अपने गांव से लेकर अपने कस्बे देहात और शहर और देश और प्रदेश तक इन बातों को फैलाएं और सामाजिक न्याय की जैसी सामाजिक न्याय की बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। पहले तो जो हमारे आए हुए बड़े बड़े अतिथि लोग हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ जितने भी हमारे सामने आए हुए जनता हैं तो हमारे भाई बंधु हैं सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज का डेट में जो है सबसे पहला है कि मुद्दा आरक्षण। तो आरक्षण हम लोग मानते हैं जब हमारी आबादी 85% है तो हम लोग एक क्यों नहीं हो जाए जो हम आरक्षण दें। अगर हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं हमारी आरक्षण जो है ओबीसी का 27% है एससी एसटी का 7.5% है और शेड्यूल कास्ट का 14% है। टोटल हमारा 49.5% होता है जबकि हमारी आबादी 85% है। तो अगर हम लोग यूनाइट हो जाते हैं तो शासन हमारे हाथ में होगा तो हम उनको आरक्षण 15% ही हमको देना है 15% दे क्या जरूरत है। दूसरी बात है कि बैलेट पेपर पर चुनाव करना पड़ेगा। आज तक हमारे गवर्नमेंट जब भी होता है तो ईवीएम के रूप से चलते हैं जबकि जो देश ईवीएम बनाया है वो अपना ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर पर करवा रहा है। तो इसका मतलब तो यह है कि अगर लाख जनता और कोई भी बोल रहा है गवर्नमेंट नहीं सुन रही इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं उसमें बदलिंग चल रहा है कुछ काम नहीं करते जिससे वो जीत रहे हैं। तो इसलिए पहले पेपर पे चुनाव होना ही सबसे अच्छा चीज है और इस पर पूरी अपनी एकजुट होकर अगर संघर्ष करें तो ऐसा हो सकता है। तीसरी बात होती है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना हमारे मोदी जी 2014 में चुनाव जब लड़ रहे थे तो उन्होंने घोषणा पत्र में बोले थे मैं जीतूंगा तो जातिगत जनगणना करवाऊंगा। लेकिन आज तक उनको अगर जातिगत जनगणना के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले चुप हो जाते हैं और कोई मुद्दा ऐसा उठा देते हैं कि पब्लिक का मूड डाइवर्ट हो जाता है उनको कोई नहीं सुनता है। जनगणना वाले बंद हो चुका है फिर जो है उनका कहीं ना कहीं दूसरा मुद्दा बढ़ता रहते हैं।
अब वो ये जानते हैं कि जिस दिन जाति का जनगणना हो गया तो 85% जो आबादी है, तो हमारे संविधान के हिसाब से उनको 85% देना पड़ेगा जाति कि जितनी जनसंख्या जिसकी है, जितनी जनसंख्या होगी उसी उनके आरक्षण दे। हमारे देश में केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 45 है, 45 में से एक एसटी वाइस चांसलर है, एक एसटी है और 5 ओबीसी है, टोटल 7। अगर हमारा 49% भी होता है तो 22 में होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। और जो प्रोफेसर है वो 3141 सीट है, उसमें से 1 जनवरी 2020 तक में ओनली फॉर 9 प्रोफेसर ओबीसी के थे, और आज का डेट में 2024 में अगर देखा जाए तो 187 भी है। तो हमारा आरक्षण कहाँ मिल रहा है? आरक्षण तो देने से नहीं रहे और ना देना चाहेंगे, इसलिए हम लोग को एक थोड़ा जरूरी है कि आरक्षण हम